रेडी? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। २०२३ में रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 यानी लूना 25 किस खगोलीय पिंड पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? On which heavenly body did Russia's spacecraft Luna 25 crash land in 2023? विकल्प सुनिए, ए Saturn, B Sun, C Pluto, D Moon। शनि, सूर्य, प्लूटो या चंद्रमा? सर ये लूना 25 है जो चंद्रमा के लिए रूस का लॉन्च किया गया था अभी जी। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर डी, चंद्रमा। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। डी मून, चंद्रमा पे थल लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको, 20,000 रुपए जीत लिए। 1976 में सोवियत संघ के लूना 24 के चंद्रमा से नमूने लेकर लौटने के बाद लूना 25 जो था रूस का पहला चंद्रमा मिशन था ये, और इसे अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था, पर ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से नहीं उतर सका जी सर। लेकिन हमारा पहुंच गया वहां है कि नहीं? इनकी जी सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा उस राज्य से लगती है जिसकी एक अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है? Which of these states shares its border with a state that has an international land boundary? ऑप्शन सुनिए, ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। किस राज्य की सीमा उस राज्य से लगती है जिसकी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है? कुछ अंदाजा? 30 सेकंड बचे हैं सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए पदुमती जी, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा सर? ऑडियंस फोन। ऑडियंस फोन लेना चाह रहे हैं, ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इनमें से किस राज्य की सीमा उस राज्य से लगती है जिसकी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। ऑडियंस आपका समय शुरू होता है अब। मध्य प्रदेश सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 62%, 62%। ए बी और डी को मिला है 10, 8 और 20। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ जाएंगे आप, मध्य प्रदेश को बोलिए। क्या करें? सी मध्य प्रदेश को लॉक कर दीजिए। सी मध्य प्रदेश को ताला लगा दिया जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं पिंकी जी, वो तीन राज्यों से लगती हैं और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाएं हैं, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ जी, और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी है ना जी सर, बहुत गुणी है ये, और ये हमको कह रहे हैं कि खिरोड़ीमल जी आपको पिंकी तो बोलते हैं लेकिन एंग्री यंग वुमन भी बोलते हैं, आयरन लेडी भी बोलते हैं सर मेरे को तो। आयरन लेडी बोलते हैं जी सर, पर ऐसा क्यों? क्यों भाई साहब? इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है सर, हर बात पे गुस्सा जल्दी आता है। क्या वजह है पिंकी जी की आपको? सर ये दिलाते हैं गुस्सा। गुड आंसर। मेरे को तो इनका सुबह से शाम तक का सारा शेड्यूल पता होता है सर, इनको किस टाइम पे क्या चाहिए होता है। इनसे पूछ के देखिए इनको पता है क्या नहीं पता मेरे को क्या चाहिए। किरोड़ीमल जी, ये प्रश्न आपके लिए है जी सर। पिंकी किस रंग की साड़ी पहनना पसंद करती हैं? पिंक कलर। बोल दें? रॉन्ग।
काले रंग की साड़ी उनको पसंद है। नेक्स्ट, पिंकी एक रेस्टोरेंट में अपने लिए क्या मंगवाती हैं? नवरतन कोरमा रहता है सर इनकी चॉइस में। वो इनकी चॉइस होती है सर। वाय वो आप अपनी चॉइस नहीं, इनको तो गोल गप्पे और स्प्रिंग रोल पसंद है। ओके आगे चलते हैं। पिंकी जी को कौन सा भजन सुनना सबसे ज्यादा पसंद है? हारे के सारे। ये भी गलत है। ओके एक और प्रश्न, पिंकी अगली पारिवारिक यात्रा के लिए कहां जाना चाहती हैं? केदारनाथ सर। गलत। शिमला रामेश्वरम जाना चाहती है। यदि पिंकी को जीती हुई राशि से अपने लिए कुछ खरीदना होगा तो वो क्या होगा? गाड़ी। यहाँ पे भी फेल। गलत। सोने का मंगलसूत्र कह रही है ये। शाबाश सर, आई एम वेरी सॉरी। ये सही, हमने थोड़ा सा मजाक में उनका टेस्ट ले लिया। क्रोइमल जी, बड़ा परिश्रम करना होगा आपको, खास तौर से आज जब आप खेल छोड़ के जाएंगे यहाँ से। घर पे आपकी क्या स्थिति होने वाली है हम ये नहीं पूछेंगे, लेकिन संभल के रहिएगा। ओके हमारी जो केबीसी की टीम थी जहाँ आप रहती हैं ना, हाँ, वहाँ गई थी वो, और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस वीडियो को पहले देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम वैशाली चुड़ासमा है। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ बाउद्दीन आर्ट्स कॉलेज जूनागढ़ में। मेरे घर में सर मम्मी है, पापा है और छोटा भाई है। पापा कारपेंटिंग करते हैं। घर का खर्चा उठाने के लिए मैं यह सोफा भी बनाता हूँ और साथ में नाइट ड्यूटी भी करता हूँ, वो प्लास्टिक के कारखाने में करता हूँ। पापा एजुकेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देते, वो एजुकेशन को ही ध्यान में रखे कि मुझे मेरी बेटी को आत्मनिर्भर बनाना है। उसने जैसे ही गवर्नमेंट में वो ऐसा परसेंट आया और कॉलेज ली तो मेरी चिंता थोड़ी दूर हो गई, वरना थोड़ा थोड़ा टेंशन रहता था। अच्छा लगता है कि वो इतनी पढ़ाई कर रही है, हमें खर्च नहीं करने देती और उसके दम पे ही पढ़ती है, क्योंकि वो अपने पापा की हमारी परिस्थिति को समझती है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान देती है पढ़ाई में। आज तो मैडम के खिजाना ही नहीं गई। हमेशा कहते हैं किसी सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक लेडी के पीछे एक आदमी का हाथ ऑफकोर्स होता है। लाइक मेरी लाइफ में वो इंसान मेरे पापा हैं। पापा को प्राउड फील कराना, मम्मा को प्राउड फील कराना, ये मेरी कंपलसरी यू नो चीज़ है। तो पापा के जो कोई भी सेक्रीफाइसेस है, मम्मा के जो कोई भी सेक्रीफाइसेस है, उनको मैं अच्छे रिवॉर्ड में बदल के उन्हें प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इतनी कम उम्र में आप कैसे सोच लेती हैं ये सब? सर पापा और मम्मी को मतलब इतनी मेहनत करके देखा है कि कैसे वो अपने अपने कोई भी शौक है उसको साइड आउट करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि आपको जो करना है वो करो। तो हमारा फर्ज बनता ही है कि हम उन्हें अच्छा जीवन दें और हम आगे बढ़कर उनको खुशियाँ दें। मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाए, मिली है कि नहीं अभी तक? हाँ सर, बैचलर ऑफ आर्ट्स में तो मिली है मुझे, बट मास्टर्स के लिए अभी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है मास्टर्स में साइकोलॉजी में। ये विषय क्यों चुना आपने साइकोलॉजी? सर साइकोलॉजी मतलब आर्ट्स फैकल्टी में मैं जब 11th 12th में थी उससे पहले मैंने देखा कि कैसे लोग मेंटली अभी इफेक्ट हो रहे हैं,
और अगर मेंटली अभी कोई भी इंसान अगर इफेक्ट हुआ तो उसे फिजिकली भी सफर करना ही पड़ेगा। अगर हमारा फ्यूचर कंप्यूटर साइंस है तो हमारा फ्यूचर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी होना ही चाहिए। क्या बात है, वाह। कंपेनियन के रूप में आज हमने तो देखा तो था, लेकिन शायद आपकी माता जी आई हुई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। और साथ में और कौन है? मेरे मामा। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट वैशाली जी, खेल की ओर अब ध्यान देंगे हम। खेल के जितने भी नियम हैं वो तो आपको पता, उनको हम नहीं दोहराएंगे। ओके, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा खरोपड़ी। ऑल द बेस्ट वैशाली जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस उपकरण में स्पीकर नहीं होते हैं? Which of these appliances usually does not have speakers? A. TV, B. Smartphone, C. Radio, या D. Iron. TV, smartphone, radio, या स्त्री? Sir, please lock D. स्त्री. स्त्री, D पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब, ये बता दीजिए। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किसी विद्यालय में अंग्रेजी शब्द लैब, L-A-B, लैब किस प्रकार के कक्ष का सामान्य संक्षिप्त रूप है? इन अ स्कूल व्हाट काइंड ऑफ रूम इज अ लैब ए कॉमन शॉर्ट फॉर्म फॉर? ऑप्शन सुनिए, ए लाइब्रेरी, बी क्लब हाउस, सी लेबोरेटरी, या डी क्लिनिक। ए पुस्तकालय, बी क्लब हाउस, सी प्रयोगशाला, या डी क्लिनिक। सर प्लीज लॉक सी, प्रयोगशाला। सी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने। आपने भी कभी लेबोरेटरी वगैरह में देखा है शिक्षा के समय? हाँ सर, साइकोलॉजी में लैब तो होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होता है पार्ट, उसमें हम संशोधन करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करना ह्यूमंस में और क्रीचर्स में। तो लेबोरेटरी में क्या करना पड़ता है? मतलब अगर कोई भी एक सेगमेंट हो गया, लाइक अटेंशन है, या फिर भूल का जो प्रयत्न और भूल, मतलब आपके आंखों पर पट्टी बांध कर आपको एक डेस्क दिया जाएगा, उसमें आपको मतलब लाइक आपको फिंगर या फिर कोई भी एक स्टिक से मतलब ऐसा चलवाया जाएगा, और फिर आप कितनी बार भूल करते हो, कितनी बार आप पहुँचते हो लक्ष्य तक, वो एक एक्सपेरिमेंट होता है। वो बहुत 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 ज़्यादा टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम साइकोलॉजी लैब कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, तो जब पट्टी बांध ली है तो जो आपको गाइड कर रहा है, हाँ, जो जैसे आपने मान लीजिए, हाँ, किसी को इम्तिहान ले रहे हैं आप, तो आप उनको बताते हैं अब सीधे जाओ, अब दाहिने गुड़ो, हाँ, हाँ, आगे सीधे जाओ, बाएं तरफ जाओ, हाँ, हाँ, ऐसा बोलते रहते हैं आप? हाँ, बोलते रहते हैं। अगर आप तो फिर उसमें, हाँ, हाँ, उसमें गलत होने की क्या संभावना है? नहीं नहीं सर, अगर आप लाइक बहुत ज्यादा आगे चले गए फिर वहां से आपने लेफ्ट लिया तो वो आप गलत हो, किस शब्द पर आप कब रुकोगे वो भी मैटर करता है।